हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दो पार्ट बताया था, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखो इसको देखते हैं कि नॉर्मल हो रहा है कि नहीं। देखो नॉर्मल कॉमन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर हीट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था पिछले क्लास में, हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके बच्चों, तो चलो एक्स की जगह पर क्या रखते हैं, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 3 प्लस 13 × 1² प्लस 32 × 1 प्लस 20। 1 का क्यूब 1 प्लस 13 का 13 प्लस 32 प्लस 20। आप लोगों को दिख रहा है ये कभी जीरो होगा नहीं होगा, तो यहाँ यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब चलते हैं एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रख कर देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो एक्स के जगह पे -1 रखो, तो देखो क्या होता है बच्चों, -1 के पावर 3 प्लस 13 × -1 के पावर² प्लस 32 × -1 प्लस 20। चलो अब -1 के पावर क्या है, 3, ऑड नंबर है तो क्या निकलेगा, -1। ठीक है, मैंने बताया है आप लोगों को, ये क्या है, स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा, प्लस में निकलेगा, तो जो यहाँ पे साइन है वही रहेगा, +13। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -32 और +20। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये और ये, सबसे पहले प्लस में कौन कौन है, 13 और 20 क्या है, प्लस में है, तो दोनों को जब प्लस करते हैं प्लस वाला को, तो 13 और 20 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों का साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, -1 है और -32 है, तो क्या करते हैं हम, साइन तो माइनस रखते हैं लेकिन दोनों का करते हैं ऐड, तो 1 + 32 कितना हो जाएगा, 33। देखो तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये आ गया 0, यानी हमारा एक तो यहीं पे हमारा मिल गया फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, +1 = 0। तो हमारा एक फैक्टर मिल गया, अब x+1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, x+1 से क्या करेंगे, डिवाइड, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, तो x+1 से डिवाइड करो, किसमें करना है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, x² से होगा, x × x² क्या हो जाएगा, x³। 1 × अगर कोई बच्चा अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग पीछे से देखिए पूरे एकदम लाइन बाई लाइन से वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सारे अवेलेबल है। ठीक है, ओके, कोई भी वीडियो के लास्ट में अगर देखते हैं तो वहां पे सारे का लिस्ट आ जाता है। ठीक है ना, लास्ट में या ऊपर में एक साइन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियो आ जाएंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो 1 × x² क्या हो जाएगा, +x², क्योंकि इसका भी प्लस साइन है और इसका भी प्लस साइन है। अब साइन को माइनस करते हैं डिवाइड करने के बाद, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बड़े वाला का साइन क्या है, +13, 13 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 12x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे अब दोनों का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स का भी प्लस है साइन और 12 का भी प्लस साइन है, तो प्लस। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12x × x क्या हो जाएगा, 12x² 1 × 12x करोगे तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो अब क्या करते हैं, ये साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, 32 में से 12 गया तो 20x होगा, क्या हो जाएगा, 20x, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस है, प्लस 20। अब देखो दोनों का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अब किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से, तो 20x हो जाएगा, ये x × 20 20x, 1 × 20 का हो जाएगा 20, तो देखो माइनस माइनस दोनों का हो गया 0, आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ गया। आप क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर बताए थे तुम लोगों को, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का फैक्टर निकालो। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 20। क्या लिखोगे, 20 × 1 का हो जाएगा 20। मैंने यही बताया था फैक्टर क्या होता है, 1, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सिर्फ 20 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से दो नंबर को लो अब, तो मल्टीप्लाई करते कितना आना चाहिए, 20, और प्लस करे तो कितना आना चाहिए, 12। तो देखो 10 और 2 को ले लो, 10 और 10 2 20 भी हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ओके दिख रहा है? ओके, 10 2 20 भी हो जाएगा, और 10 और 2 12 भी हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे करो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन करो, तो x प्लस 10 हो जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करो, प्लस 2 कॉमन करो, क्योंकि 2 के टर्म में 2 भी आता है, 20 भी आता है। 2 1 2 तो x का x प्लस 2 10 20। अब मैंने सिखाया था इसको इसको साथ में, ठीक है, यही बताया था ना मैंने बच्चों। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 10। आया बात समझ में? अब लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे कि डिविडेंड डिविडेंड इजकल टू डिविजर इंटू क्योसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है मेरे पास, ये था x³ + 13x² + 32, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है बच्चों, कौन वाला पार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो अंदर जिसमें डिवाइड करते हो क्या होता है, डिविडेंड होता है, ये कहता है डिविजर होता है, ये कहता है क्वेश्चन होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो लिखो, आप लिखते हैं। तो देखो 32 हो जाएगा एक्स प्लस 20, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिविजर क्या था, एक्स प्लस 1 है। अच्छा क्वेश्चन कितना आया है, x² + 12x + 20। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 ही रहेगा, इसका फैक्टर कितना निकाल के लाए हम लोग, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 10। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो 3 फैक्टर आ गए। आया समझ में? आ गया होगा समझ में, बहुत ईजी होता है बच्चों, मेरा क्लास ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि क्या है, एक और पार्ट है इसका, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है, 2y³ + y² - 2y - 1। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल से कर देंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग, y² कॉमन कर लो, हाँ यहाँ पे नॉर्मल से हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे y² कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y, क्योंकि 3 है तो एक y² तो कॉमन हो गया, तो बचेगा 2y। यहाँ पे तो y² कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 1। अब यहां से क्या कॉमन कर लेंगे, दोनों में से -1 कॉमन कर लेंगे, -1 जैसे ही कॉमन करेंगे तो माइनस वाला क्या होता है, प्लस, और प्लस वाला माइनस, तो दोनों क्या है माइनस में, तो दोनों का हो जाएगा प्लस, तो 2y + 1। देखो फैक्टर सही होने का तरीका, देखो ये दोनों का है सेम हो गया, दोनों सेम हो गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि y² - 1, क्योंकि इसको इसको साथ में लिखते हैं, मैंने कितना बार बता दिया हूं। ठीक है, अब क्या लिख देंगे यहाँ से, दोनों एक सेम है तो क्या लिखेंगे, 2y + 1। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया क्या, कि a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b * a - b। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो एक ए स्क्वायर की जगह क्या है, y², बी की जगह क्या है, b² की जगह पे है -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब लगा दो फॉर्मूला, तो क्या होता है a + b, यानी y+1 और y-1, और ये पहले से था 2y+1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3, 3 फैक्टर आ गया, 3 डिग्री है तो। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आंसर, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग बहुत से बहुत प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।